वार दी पीपल शो। यह फिल्म 1972 में रिलीज एक रोमांटिक मूवी है जो 12 साल का लड़का अपने सौतेली माँ के साथ शारीरिक संबंध करना चाहता है। तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। यह कहानी रोमांटिक और मार्कस नाम के लड़के जो अपनी सौतेली माँ से शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। कहानी के शुरुआत में सारा नाम की एक औरत होती है जो बाथटब में नहा रही होती है। अचानक उससे करंट लग जाने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक एलिस नाम की औरत होती है जो अपने हस्बैंड पॉल के घर आई होती है। एलिस पॉल की दूसरी वाइफ होती है। पहली वाइफ बाथटब में नहाने से बिजली के करंट से मारी गई। पॉल एक बिजनेसमैन था जो बहुत ही अमीर था। वह अपने बेटे मार्कस का ख्याल ठीक से नहीं रख पाता था क्योंकि बिजनेस के चलते वह बाहर ज्यादा समय देता था, इसलिए उसे कम उम्र की लड़की से शादी कर ली जो मार्कस का पूरी तरह ध्यान रख। दूसरे सीन में एलिस मार्कस का ख्याल रखने के लिए घर पर आ जाती है। पॉल कहता है मार्कस का अभी पेपर खत्म होने के बाद एक हफ्ते बाद घर पर आएगा। एलिस देख रही होती है मार्कस समय से पहले घर पर आ गया है। एलिस पूछती है अभी इतनी जल्दी कैसे आ गए। मार्कस कहता है सारे बच्चे में चिकन पॉक्स वायरस फैल गया है इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। दूसरे दिन एलिस के पास पॉल का फोन आता है जो अपने बेटे मार्कस से बात करना चाहता है। एलिस अब मार्कस से बात कराने के लिए बाथरूम में जाती है जहाँ मार्कस नहा रहा होता है। मार्कस अपने डैडी से बात करता है, बाद में फोन एलिस को देता है जो एलिस अब पॉल से बात कर रही होती है। तभी मार्कस अपने सौतेली माँ से इधर उधर छूने लगता है। अब एलिस को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। अब एलिस मार्कस के साथ रहने के बाद उसे मालूम होता है कि मार्कस का कोई दोस्त नहीं है और पॉल की बिगड़ी हुई औलाद है। एलिस मार्कस का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी लेकिन मार्कस हमेशा अपनी सौतेली माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। दूसरे सीन में पॉल का सीन दिखाया जाता है जो बिजनेसमैन है, अब प्लेन से घर पर आ रहा होता है। एलिस और मार्कस अपने डैडी को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। अब सभी लोग कार घर पर वापस आ रहे होते हैं। पॉल अपनी बीबी के प्रति शारीरिक संबंध बनाने का विचार लाता है जो उसे टच करता है। एलिस का मूड बनने लगता है। एलिस का ध्यान गाड़ी चलाने से हट जाता है जो एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच जाते हैं। अब पॉल के घर का सीन दिखाया जाता है। पॉल मार्कस को खेलने के लिए बाहर भेज देता है और वह खुद एलिस के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब दूसरे सीन में होटल में सभी लोग कुछ खा रहे होते हैं। पॉल एलिस से कहता है क्या तुमने हमारे जेब से पैसे निकाले। एलिस कहती है हमने नहीं चुराए, मार्कस ने पैसे चुराए। मार्कस कहता है हमने सिर्फ $300 लिए थे। एलिस कहती है तुम उस दिन बता रहे थे कि हमने पूरे पैसे लिए। अब मार्कस मना कर देता है और हमने कुछ नहीं कहा। पॉल मार्कस की बात मान लेता है और एलिस पर विश्वास नहीं करता। दूसरे सीन में मार्कस के रूम में एलिस जाकर पैसे ढूंढती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ उसे वहां पर एक फटा हुआ लेटर मिलता है जो अपने पास रखती है। पॉल और मार्क दोनों स्विमिंग कर रहे होते हैं। मार्कस कहता है एलिस हमारा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। पॉल मार्कस के बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता है लेकिन एलिस इस बात को नजरअंदाज कर देती है। एलिस मार्कस के बारे में और जानकारी लेने के लिए उसके स्कूल जाती है। एलिस प्रिंसिपल से बात करती है जहाँ उसे पता चलता है मार्कस की कोई छुट्टी नहीं चल रही है बल्कि उसे कुछ दिन पहले स्कूल से निकाल दिया गया है। एलिस कहती है उसके कमरे से एक फटा हुआ लेटर मिला था। प्रिंसिपल कहता है मार्कस का व्यवहार गंदा था और वह लड़कियों और औरतों के प्रति गलत विचार लाता था इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया। एलिस और पॉल का सीन किसी पार्टी क्लब का दिखाया जाता है जो एलिस की मुलाकात एक सूफी नाम की औरत से होती है जो वह बताती है सारा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, वह बाथटब में डूबने से मौत हो गई। अब एलिस को शक होता है कि शायद मार्कस ने सारा को मारा होगा। वह पॉल से बात करने की कोशिश करती है। पॉल उल्टा ही एलिस को डांटता है, कहता है मार्कस 12 साल की उम्र में यह कैसे कर सकता है। दूसरे सीन में एलिस मार्कस से पूछता है सारा की मौत कैसे हुई। मार्कस कहता है दरअसल सारा को हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। एलिस उसे डांटती है, कहती है इस बार झूठ मत बोलना और हमें लगता है कि उसकी मौत बाथटब में करंट लगने से हुई है। एलिस कहती है तुम तो बहुत कुछ जानती हो लेकिन मुझे नहीं बता रहे हो। मार्कस कहता है हाँ मुझे मालूम है लेकिन बताने से मुझे क्या फायदा होगा। एलिस कहती है मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकती हूँ। मार्कस मना कर देता है। फिर एलिस पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। मार्कस कहता है मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ। एलिस अब धीरे धीरे कपड़े निकालती है जिस पर मार्कस हर सवाल का जवाब देता है। सारा की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई पर अब एलिस को विश्वास नहीं होता। अब एलिस मार्कस के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है।
पॉल को एटिक होल के बारे में बताती है। जब वहाँ पर पॉल चेक करने जाता है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब पॉल को एलिस पर विश्वास नहीं होता। एलिस सारा की मौत का पता लगाने के लिए रिसर्च करती है और अब उसे मालूम होता है कि मार्कस ने सारा को मारा है और कहती है बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। अब एलिस सारा की मौत के बारे में और जानना चाहती है जो मार्कस से पूछती है सारा को क्यों मारा। मार्कस कहता है हमें सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और हमें लोगों को टॉर्चर करके मारने में बहुत मजा आता है। मार्कस एलिस को वार्न करता है मरने की तुम्हारी बारी है। अब एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और अब मार्कस से डरती है क्योंकि मार्कस उसे कभी भी मार सकता है। अब एलिस की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। अब एलिस ठीक होकर घर पर आती है। दूसरे सीन में पॉल और एलिस पार्क में घूम रहे होते हैं। पॉल कहता है अब हम फैमिली शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें हम सभी लोग साथ रहेंगे। अब मार्कस वहाँ आ जाता है जो एलिस को अकेले मिले जाना चाहता है और सारा की मौत के बारे में बताता है और कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और एलिस भी कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों अब किस करने लगते हैं। दूसरे सीन में एलिस मार्कस के डॉग आय को एक गाड़ी के सामने फेंक देती है जो मार्कस उसे लेने जाता है। आ रही गाड़ी उसे जोरदार टक्कर देती है, मार्कस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब एलिस मार्कस को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उससे अब कोई डर नहीं था। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू।